हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ऑबिसेंसेस। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। और इस टॉपिक पर हमें एनलाइटन करेंगी हर ग्रेस निर्मला देव की माता जी, हु इज ऑल्सो नोन एज मिसेस निशिमा लांबा। मिसेस निशिमा लांबा एक टीचर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी निर्मला देव की माता जी से कि वो हमें मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताए। हरे कृष्णा, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। वो जिम्स जाते हैं, योगा करते हैं और न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं। बट क्या हम अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि हम अपने फिजिकल हेल्थ का रखते हैं? आइए देखते हैं। मानसिक रोग एक ऐसा रोग है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन के रूप में प्रकट होता है। और हम देख सकते हैं कि सभी लोग इससे ग्रस्त हैं। आइए देखते हैं इसके क्या कारण है। हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों को बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब्स में, हर जगह कॉम्पिटिशन है। और जहाँ कॉम्पिटिशन होता है वहीं पे कंपेरिजन्स भी होते हैं। कंपेरिजन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के बीच में होता है। और हम देखते हैं कि जब हमारे एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं मीट नहीं हो पाती, वी गेट सो मच डिस्टर्ब्ड। लाइक आपने बहुत हायर स्टडीज़ की हैं लेकिन फिर भी आपको वैसी जॉब नहीं मिली जैसे कि आपने एक्सपेक्ट करी थी, देन यू गेट वेरी मच डिस्टर्ब्ड। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ सभी लोग इस मेंटल प्रॉब्लम्स के शिकार बन जाते हैं एंड दे गेट मेंटली इल। बट हम ऐसा क्या करें कि हम इनके शिकार ना बने? शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें इस दुनिया में एक कमल के समान रहना चाहिए। वो गंदगी में रहकर भी कभी उस गंदगी से प्रभावित नहीं होता। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में बहुत दुविधा में पड़ गए थे कि वो किस तरह अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों से युद्ध करें, लेकिन उस परिस्थिति से भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वयं बाहर निकाला। अर्जुन ने भगवान की शरण ली और कृष्ण ने उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया। तो हम भगवान की शरण किस तरह ले सकते हैं? उस समय तो भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ उपस्थित थे, बट इस कलयुग में क्या भगवान हमारे साथ स्वयं उपस्थित हैं? जी हाँ, भगवान हमारे साथ स्वयं उपस्थित हैं अपने नामों के द्वारा। भगवान कहते हैं कि भगवान और उनके नामों में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की डायरेक्ट शरण लेते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम फिजिकली हेल्दी के साथ रह कर भी हम मेंटली हेल्दी भी रह पाते हैं। और भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो भक्त निरंतर मेरे नामों का कीर्तन करता है, जो भक्त निरंतर मेरी सेवा में लगता है, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझ तक आ सकता है। तो भगवान हमें स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम भगवान की बताए गए द्वारा शास्त्रों को समझ सकें। भगवान बताते हैं कि भगवद गीता भगवान ने हमें दी है बिकॉज दिस द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जिस तरह वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए हमें उसका एक मैनुअल मिलता है कि किस तरह उसको ऑपरेट करना है, उसी तरह ह्यूमन लाइफ को किस तरह व्यतीत करना है, कैसे हमें कर्म करने चाहिए, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए और किस तरह अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए, वह सभी भगवद गीता से हमें मिलता है। बिकॉज भगवद गीता इज द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इन दिस कोरोना पैंडमिक वी हैव सफिशियंट टाइम। We just don't waste your time. Just engage your time in chanting the names of Lord Shri Krishna and reading scripture which is being given by God Shri Krishna.
हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। निर्मला माता जी ने कितने अच्छी तरीके से हमें ये इम्पोर्टेंस बताया कि मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ की तरह ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, एक नए स्पीकर के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल IGF UK। तब तक के लिए हरे कृष्णा।